टीजीडी बीजीडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 43 क्वेश्चन नंबर है 23। तो किसी पहाड़ की चरण से उसके शिखर का उन्नयन कौन ४५ अंश है। किसी पहाड़ के चरण से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। 30 अंश के ढाल पर 1000 मीटर ऊपर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन सामने है, एक पहाड़ के चरण से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और 30 अंश के ढलान पर 1000 मीटर ऊपर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो पहाड़ की क्या ऊंचाई होगी? पहाड़ का स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं, किस तरह से होता है। मानिए इस तरह से स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कोई पहाड़ है, हम इस तरह से मान लेते हैं, इसका चरण ये है। पहाड़ के चरण से शिखर का उन्नयन कोण, यह शिखर है का उन्नयन कोण 45 अंश है। 45 अंश है। 30 अंश के ढलान पर, मान लीजिए ये ढलान है कोई, यानी कि पहाड़ की इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, ये कोई ढलान है। 30 अंश के ढलान पर 1000 मीटर ऊपर जाने पर, ये 30 अंश का ढलान है, 1000 मीटर ऊपर चलने पर उन्नयन कोण, मान लो कुछ दूरी चला, यहाँ से चढ़ के देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। यहाँ से उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जा रहा है। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पॉइंट मान लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, मैं ये मान लिया, इस लाइन को आगे की बढ़ा दें, ये 60 अंश है तो ये भी 60 हो जाएगा। बी, ये पॉइंट सी मान लिया, और ए बी सी एंड पॉइंट हो जाएंगे, ये पहाड़ मान लेंगे पी क्यू, ये पहाड़ और ये पॉइंट आर। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया आर, ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा। एकांतर रेखा यानी ये समांतर है तो ये भी समांतर लाइन जिसकी खींचिए। अब हमको जो निकालना है पी क्यू की लंबाई निकालनी, पी क्यू कितना होगा? ये 1000 है, इस ट्रायंगल में ये एंगल 30 अंश है, पूरा 45 है, तो ये जो होगा ये वाला होगा 15 अंश होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये वाला 15, ये 30, टोटल है 45। अब ये 30 होगा और ये 120 होगा। अब एंगल की अगर बात आए तो किसी ट्रायंगल्स में एंगल निकाले जाए, किस तरह से एंगल इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये लेंथ केवल यहाँ पर दे रखी है, तो इसमें दो एंगल अगर हमको मिल जाते हैं तो बना सकते हैं। जैसे कि एक एंगल तो ये 45 मिल गया, एक ये मिल गया, ये जे मिल गया। अगर ये मिल जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकाल सकते हैं साइन रूल लगा के। ये हमारे पास 60 है, तो इसका शीर्षाभिमुख ये 60 है, ये एकांतर 60 है, ऐसे नहीं शीर्षाभिमुख होगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं कट रही है, टेढ़ी होती तो शीर्षाभिमुख हो जाता है। हाँ, ये 60 है और ये 120 होगा, 120, और
120 और 30, 150, 150 हुआ, और ये इस ट्रायंगल में टोटल योग 180 होगा, तो ये हो जाएगा 30, 30। अब ये 60 है, ये 30 है। इस ट्रायंगल की बात की जाए, इस वाले की, ये मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे पूरा रोटेशन अगर ले लेते हैं, पूरे रोटेशन से बात हो सकती है, क्योंकि ये 60 अंश है, 60 है, ये 60 था, ये लाइन सीधी है, तो ये 120 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ये, 60, 120। पूरे रोटेशन से ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, और 60 और 120, 180, 180 और 30, 210, 210 और 150, 360 होगा, यानी कंप्लीट रोटेशन 360 होता है। तो 360 में से अगर 210 सब्ट्रैक्ट करते हैं 150, ये 60, 120, 30 और ये 150। इस एंगल को निकालने का फ़ायदा ये लगा, ये लेंथ दिया है, तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, जैसे कि ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये है ए सी क्यू, और ये एंगल 15, ये एंगल 15 बचा है, ये 30 था, पूरा 45 था, और ये जो डिस्टेंस है ये 1000 है, 1000 मीटर है, और ये एंगल है 150 अंश, ठीक है। तो इसमें अगर साइन रूल लगाएं, तो फ्रंट की साइड ली जाती है, यानी कि ये एंगल साइन रूल अगर इसमें लगाया जाए, तो ए क्यू, ए क्यू बटे साइन 150, ओके, ए सी अपॉन, ए सी अपॉन साइन 15। तो अब ए सी अपॉन, ये एंगल 150 है, ए सी के सामने का एंगल ये बनाएगा, ये 15 है, ये 150 है, तो 15 ये भी होगा, 15 15 30, और 30 और 150 180, यानी इस ट्रायंगल में जो टोटल सम होना चाहिए 180 होना चाहिए, ये 15 आ चुका है, ये 150 आ चुका है, तो ये भी 15 होगा। अब यहाँ पे ये एंगल हुआ 15। अब साइन रूल लगाया जा सकता है ट्रायंगल ए सी क्यू में, साइन रूल से, साइन रूल से, साइन रूल हो जाएगा, यानी कि ये साइड बट इसके फ्रंट एंगल, और ये साइड बट इसके फ्रंट एंगल, यानी कि ए क्यू अपॉन साइन 150, ए क्यू बटे साइन 150, और ए सी अपॉन साइन 15, ए सी बटे साइन 15, ठीक है। तो साइन 15 एंड साइन 150 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हमें ए क्यू निकाल लेना है, ये डिस्टेंस अगर आ जाती है तो फिर पूरे ट्रायंगल में फॉर्मूला अप्लाई कर लिया जाएगा। तो ए क्यू निकाल लें, ए सी का मालूम है, ए सी है हमारी 1000, और साइन 15, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू साइन 150 बटे साइन 15, ठीक है। एक हजार साइन 150 अपॉन साइन 15, साइन 150 की वैल्यू रख देंगे 1/2, यानी ए क्यू आ चुका है, ये ए क्यू इक्वल टू 1000 इंटू साइन 150 बटे साइन 15, ए क्यू इक्वल टू साइन 150 यानी कि 150 हो जाएगा 1/2, एंड साइन 15 का मान अगर निकालते हैं तो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, सॉरी अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। साइन 15 निकालेंगे साइन 45 माइनस 30 करके, ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके साइन 15 का मान निकाला जा सकता है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। इसको अब सॉल्विंग कर लेंगे, ए क्यू निकल आएगा, ए क्यू निकालना इसलिए जरूरी था, अब पूरे ट्रायंगल्स में अप्लाई किया जा सकता है, ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा टफ नज़र आता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 2 ऊपर हो जाएगा, 1000 अंडर रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो ए क्यू इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग भी कर सकते हैं, ए क्यू का मान आ चुका है। अब आप पूरे ट्रायंगल में रहेंगे, चतुर्भुज
ए पी क्यू में, ए पी क्यू यानी कि पी क्यू अपॉन ए क्यू, लंब बटे कर्ण, ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 45, तो पूरा एंगल जो यहाँ पे 45 अंश है, लंब बटे कर्ण इक्वल टू साइन 45। ठीक है, ए क्यू का मान आ चुका है, तो पी क्यू हमको निकालना पहाड़ की ऊंचाई इक्वल टू ए क्यू साइन 45, और ए क्यू का मान लिख देंगे 1000√2 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू साइन 45 होगा 1√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यू आ गया है पहाड़ की, सॉरी पी क्यू आ गया पहाड़ की ऊंचाई, तो पी क्यू इक्वल टू हो गया 1000√3 − 1। ठीक है, यहाँ पे हम कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर सकते हैं, तो पी क्यू का मान निकाल लेंगे, तो पी क्यू इक्वल टू 1000√3 + 1√3² − 1² तो ये हो जाएगा 1000√3 + 1√3 − 1, तो यहाँ पे हो गया 1000√3 + 1√3 − 1 हो जाएगा 2, इसे कट करेंगे 500 एंड √3 + 1 इक्वल टू आ गया 500√3। ठीक है, रूट थ्री का मान रख सकते हैं 1.732 + 1, तो ये 500 × 2.732 मल्टीप्लाइंग करके यहाँ पर वहीं पे छोड़ सकते हैं 500√3 + 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है।